हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सुपर हेल्दी वीडियो बाय हेल्थ मंत्रा और मैं हूं आपकी डाइटिशियन रितु। मिलेट्स, लास्ट वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर किए थे इसके बेनिफिट और कैसे हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, बट इस वीडियो में मैं आपके साथ वो 5 मिलेट्स जिनकी मैंने आपको साथ में लास्ट में प्रॉमिस किया था कि मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, वो 5 टाइप ऑफ श्री धानिया मिलेट्स जो हमारे बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं, हमारी कोई भी डिसीज़ को किस किस डिसीज़ को कवर अप करते हैं, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि डॉक्टर खादिव अली जो हैं उन्होंने 5 मिलेट्स को नाम दिया है, जो जिनको हम लिटिल मिलेट्स, कोडो मिलेट्स, ब्राउन टॉप मिलेट, बांजयार्ड मिलेट्स एंड फॉक्सटेल मिलेट्स, वो 5 टाइप ऑफ मिलेट्स हैं जिसको श्री धानिया मिलेट्स कहा जाता है। तो उसी के आज मैं आपके साथ बेनिफिट शेयर करने जा रही हूँ। लिटिल मिलेट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इजी टू डाइजेस्ट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट माने गए हैं, और स्पेशली जब हम बच्चों को जब खाना स्टार्ट करते हैं, इन्फेंट्स को खाना देना स्टार्ट करते हैं, तो हम लिटिल मिलेट्स भी हम दे सकते हैं। लिटिल मिलेट्स के अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो लिटिल मिलेट्स के जो बेनिफिट हैं वो है कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत ही क्लीन करता है। इसके अंदर इतना अच्छा फाइबर कंटेंट है जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्लीन करता है, चाहे वो मेल पर्सन है चाहे वो फीमेल पर्सन है, उसको क्लीन करके जितने भी हमारे हॉर्मोन्स रिलेटेड इश्यूज हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर फीमेल्स की बात करें तो प्रॉब्लम जो आज हम फेस कर रहे हैं लाइक थायराइड, PCOD, अगर मैं बात करूं इनफर्टिलिटी की तो वो भी क्लियर करता है। फॉर मेल पर्सन लाइक लो स्पर्म काउंट है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। तो लिटिल मिलेट्स का जितना भी हम बात करें बेनिफिट की, तो ये एक तरह से हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उसको क्लियर करता है। ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, ये PCOD के लिए बहुत अच्छा है, इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, ये लो स्पर्म काउंट के लिए बहुत अच्छा है। तो जितने भी हमारे ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हॉर्मोन इनबैलेंस है, उसको ये ठीक करता है। अगर मैं बात करूँ कोडो मिलेट्स की, तो जो हमारे सेकंड मिलेट्स हैं वो है कोडो मिलेट, जिसको हम हिंदी में कोदो भी बोलते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एबिलिटी है जो क्लीन करती है हमारे बोन मैरो सिस्टम से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ की, मतलब कि हमारे ब्लड से रिलेटेड कोई भी अगर इश्यूज हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम अनिमिक हैं, फॉर एग्जांपल हमें डेंगू है, मलेरिया है, फीवर आ रहा है, या फिर कोई भी अगर इश्यूज आ रहे हैं, हमारे प्लेटलेट्स काउंट जो ड्रॉप कर गए हैं, ऐसे कोई भी इश्यूज हैं, उनको अगर हम अपनी डाइट में कोदो मिलेट ऐड करते हैं तो डेफिनेटली उसके हमें बेनिफिट मिलेंगे। अगर मैं बात करूं कि जो ऑटो इम्यून डिसीज़ जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे जिसको एथराइटिस की प्रॉब्लम होती है, तो उसको भी ये क्योर करते हैं। जितनी भी ऑटो इम्यून डिसीज़ हैं उसको ये कवर अप करते हैं, लाइक जितने भी अथराइटिस पेशेंट हैं वो इसका इंटेक कर सकते हैं, इसके बहुत बेनिफिट होंगे। अगर हम कोदो मिलेट को अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो डेफिनेटली ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करेगा, और डेफिनेटली जितनी भी हमारे पार्थोजेंस हैं, जितने भी उनसे फाइट करके ये हमें बेनिफिट देगा। तो कोदो मिलेट्स को भी हमें अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। अगर हम बात करें कोदो की, कोदो मिलेट्स कैसे हम अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं, तो मैंने आपको पहले भी लास्ट वीडियो में बताया कि कोदो मिलेट्स के उपमा, खीर और लेमन राइस हम कुछ भी बना सकते हैं कोदो को, बट इसका सोकिंग पीरियड 6 आवर्स, नियर अबाउट 10 आवर्स होना चाहिए, और उसके बाद हम कुक करने के बाद इसको प्रेशर कुकर नहीं करना है, बस हमने वेजिटेबल या हम दाल के साथ ऐड करके भी हम अपनी डाइट में ले सकते हैं। थर्ड जो हमारा मिलेट है वो है बांजयार्ड, जिसको हम हिंदी में सावा भी बोलते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो जो बांजयार्ड है, सावा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो अगर इसमें जो एबिलिटी है वो क्लीन करता है हमारे लीवर से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ को, लाइक जिनको जॉन्डिस की प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस ABC, लाइक ऐसे जितने भी लीवर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जिनको सिरोसिस की प्रॉब्लम है, जिनको लीवर की इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है,
वो अपनी डाइट में बार्नयार्ड मिलेट्स ऐड कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो ये हमारी बॉडी के जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं लाइक अ किडनी यूरिनरी ब्लैडर उसको क्लीन करने में एबिलिटी रखता है। तो अगर मैं बात करूं कि जिनको भी यूरिन से रिलेटेड यूरिनरी इन्फेक्शन रहती है स्पेशली फीमेल्स को रहती है तो वो अपनी डाइट में ये डेफिनेटली ऐड करें। जितनी भी यूरिन से रिलेटेड इन्फेक्शन है वो क्लियर करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड इन्फेक्शन है वो सारी क्लियर करते हैं, किडनी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, लीवर से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है उनको ये क्योर करते हैं। तो जो बांझिया की एक खासियत है, एक बहुत अच्छा बेनिफिट है स्पेशली एल्डर्स के लिए। जितने भी हमने देखा होगा कि एल्डरली पीपल्स होते हैं जिनको जो यूरिन है वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो अगर इसकी बात करूँ हम डाइट में कैसे ले सकते हैं, तो ये भी हम डाइट में बहुत अच्छे से इसको भी सोक करके हम बना सकते हैं, इसका भी उपमा बना सकते हैं, दलिया बना सकते हैं, पोहा बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं, कुछ भी हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो जो हमारा फोर्थ मिलेट्स की हम बात करें तो जो फोर्थ मिलेट है वो है फोक्सटेल मिलेट। अगर हम इसके कलर की बात करें तो ये येलोइश में आता है। तो जो फॉक्सटेल मिलेट है वो इन सब पांच मिलेट्स में से सबसे ज़्यादा मोस्ट बैलेंसिंग फॉक्सटेल मिलेट को माना गया है। तो अगर मैं इसके बेनिफिट की बात करूँ तो ये जितने भी हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं या रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, लंग से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं उसको ये क्लीन करते हैं, उसको ये क्लीन करते हैं। और स्पेशली अगर मैं बात करूं कि जितने भी हमारे ब्रेन से रिलेटेड, ज्वाइंट से रिलेटेड हैं कोई भी इश्यूज हैं, अगर लंग से रिलेटेड हैं, किडनी से रिलेटेड हैं, तो उसको ये कवर अप करते हैं फॉक्सटेल मिलेट। तो ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए फॉक्सटेल मिलेट बहुत ही अच्छी हैं। और जितने भी एज में एल्डरली एज में जितनी भी हमारी भूलने की प्रॉब्लम्स होती है, जेमरा की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो उसको क्योर करने में ये बहुत अच्छा है। इसको इसके हमें बेनिफिट्स मिलते हैं स्पेशली डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, बट ये थोड़ा वार्म इन नेचर है। तो जब भी मैं इसको डाइट में ऐड करने के लिए बोलती हूँ तो साथ में मैं बोलती हूँ कि आप जब भी आप अपनी मील के साथ या अगर आप चपाती ले रहे हो या उपमा ले रहे हो साथ में आपको एक छाछ का गिलास लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी अगर हम समर्स की बात करें तो हम छाछ ले सकते हैं, अगर हम विंटर्स की बात करें तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो अगर मैं इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करूं तो जो इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो सिर्फ लैक्टेशन वुमेन के लिए हैं, नर्सिंग मदर्स हैं। जब हम फोक्सटेल मिलेट्स अगर लैक्टेशन वुमेन लेती है तो उसका मिल्क प्रोडक्शन में ये इफ़ेक्ट करते हैं, ये मिल्क प्रोडक्शन को रोक देते हैं, इसीलिए डेफिनेटली हम ये देख लें कि कोई लैक्टेशन वुमेन फोक्सटेल जो मिलेट्स हैं वो अपनी डाइट में कंज्यूम ना करें। तो लास्ट जो हमारा मिलेट्स है वो है ब्राउन टॉप मिलेट। ब्राउन टॉप मिलेट को हम हिंदी में बोलते हैं हरी कंगनी, क्यों? क्योंकि ये जो इनका दिखने में हम अगर हमें लगेगा तो ये थोड़े हरे टाइप के होते हैं इसलिए हम हरी कंगनी बोलते हैं। तो अगर हम मैं इसके बेनिफिट की बात करूं तो इसके बहुत अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। जो ये मिलेट्स हैं वो हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट को, हर एक पार्ट को डिटॉक्सिफाई करते हैं, चाहे वो हेड से लेके टॉय की बात हो, हमारे सिर से लेके पैरों तक जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। बहुत ही अच्छा बेनिफिट है ये। सबसे ज़्यादा मेन जो बेनिफिट है इसका अगर मैं बात करूँ, स्पेशली जिनको भी आजकल हम देखते हैं कि सबको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, जितना भी हम देखेंगे ब्लॉटिंग हो जाती है, कुछ खाने के बाद हमें ब्लॉटिंग हो जाती है, हमें एसिडिटी हो जाती है, तो ये बहुत पावरफुल है ब्राउन टॉप मिलेट्स। जिनको भी एसिडिटी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं, अल्सर्स हैं, गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं, जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए कॉन्स्टिपेशन जिनको भी है उनके लिए ब्राउन टॉप मिलेट सबसे बेस्ट रहेंगे। तो अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्रिक अल्सर है, अगर किनको भी पाइल्स की प्रॉब्लम है तो इसका कंजप्शन करें, डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा, एसिडिटी नहीं होगी
और अगर मैं बात करूँ स्किन से रिलेटेड जितने भी हमारे इश्यूज हैं, ये क्योर करते हैं। और ये एक ऐसा मिलेट्स है जिस जो हमारे ऑल टाइप ऑफ जितने भी कैंसर्स के टाइप हैं उससे हमें बचाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। एक तो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, दूसरा जितनी भी हमारी कॉन्स्टिपेशन गैस्ट्रिक इश्यूज हैं जो हमारे मेन प्रॉब्लम्स आज आती हैं, और पाइल्स की प्रॉब्लम है उसको ये क्योर करते हैं। हमारी स्किन से रिलेटेड कितने भी इश्यूज हैं उसको क्लीन करते हैं, हमारे हर एक ऑर्गन्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं, और साथ के साथ हमारी इतना रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स है कि जितने भी ऑल टाइप ऑफ कैंसर है उससे हमें बचाते हैं। तो ये जो लास्ट में ब्राउन टॉप मिलेट है, इसके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं। तो इसके भी ब्राउन टॉप की काफ़ी रेसिपीज होती हैं, तो मैं ट्राई करूँगी कि हर एक मिलेट्स की जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ। तो जो इसको भी हमने सॉकिंग पीरियड, ये 5 के 5 जो जितने भी मिलेट्स हैं उन सब को मिलेट्स की हम हर एक के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। कोई फॉर एग्जांपल अगर मैं लिटिल की बात करूं तो लिटिल जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए हैं, अगर मैं कोदो की बात करूं तो जो कोदो हैं वो हमारे जितने भी ब्लड से रिलेटेड इश्यूज हैं, बोन मैरो से रिलेटेड इश्यूज हैं, उनको क्योर करते हैं। अगर मैं बात करूं कि बार्नयार्ड की, सावा की बात करूं तो अगर मैं बात करूं बार्नयार्ड की तो वो लीवर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उसको क्योर करते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी। एंड लास्ट में जो सेकंड लास्ट है वो है फोक्सटेल, जितने भी हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको ये क्योर करते हैं। एंड लास्ट वन कॉन्स्टिपेशन फॉर गैस्ट्रिक के लिए, और स्पेशली ये ईच एंड एवरी पार्ट्स के ऑर्गन्स जो जितने भी हैं उनको डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो इतने लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स थे जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली थी। मैं चाहती हूँ कि आपको पता हो कि मिलेट्स भी हमारी डाइट में इतने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट हमें इस मिलेट्स के बारे में इतना आइडिया नहीं होता है कि ये भी हमारे जो जितनी भी प्रॉब्लम है उसको भी क्योर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हमें आदत होती है कि हम अपनी डाइट में सिर्फ वीट एंड राइस नॉर्मली हम जो खा रहे हैं उसी पे रहें, या फिर आजकल जैसे दलिया हो गया, किनवा हो गया, वो डाइट्स लेते हैं, बट हमें ये चीज़ों के बारे में नहीं पता है कि ये अलग अलग बेनिफिट्स भी देते हैं और हमें कैसे अपनी डाइट में इंक्लूड करना। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इसका सॉकिंग पीरियड भी 6 to 10 hours के लिए होना चाहिए, और 1 day में सिर्फ 1 मिलेट्स ही आप कंज्यूम करोगे, अदरवाइज आप इसको मिक्स करते हो तो उसके बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। तो ये तो थी मिलेट्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कि आपके साथ शेयर करूँ इसकी रेसिपी, और आगे भी मैं ऐसे वीडियो लाती रहूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, बाय बाय।